आजकल एक के बाद एक नए वायरस सामने आ रहे हैं। अब तक कोरोना का दौर गया नहीं कि कई नई बीमारियों ने दस्तक दे दी है। आज हम एक और नए वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। जी हाँ, ये कोई सब्जी या सैलड में डाला जाने वाला टमाटर नहीं है, यह एक बीमारी है। चलिए जानते हैं क्या है यह टोमेटो फ्लू। भारत में टोमेटो फ्लू के 82 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हैंड फूट एंड माउथ डिजीज यानी कि HFMD के लिए आमतौर पर टोमेटो फ्लू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसकी पहचान केरल में हुई थी। केरल के अलावा 3 और राज्यों में टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया है। इसके मामले देखते हुए केंद्र की ओर से राज्यों ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें टोमेटो फ्लू के लक्षण से लेकर रोकथाम तक की जानकारी दी गई है। टोमेटो फ्लू एक वायरल बीमारी है जिसमें शरीर पर दिखने वाला लाल दाना या फफोलों के कारण आम बोलचाल में इसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है। केंद्र की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यह एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है जिसका मतलब होता है कि लक्षण कुछ दिनों में अपने आप चले जाते हैं। अधिकतर 1 से 10 साल तक की उम्र में छोटे बच्चों और वैसे एडल्ट्स में देखी जाती है जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती है। टोमेटो फ्लू की पहचान सबसे पहले केरल के कोलम जिले में 6 मई 2022 को हुई थी। 26 जुलाई तक लोकल सरकारी अस्पतालों की ओर से कम 82 बच्चों के टोमेटो फ्लू से संक्रमित होने की खबर मिली है। इन बच्चों की उम्र 5 साल से कम बताई गई है। जानकारी के मुताबिक अब तक केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और उड़ीसा से टोमेटो फ्लू के कई मामले सामने आए हैं। केरल का अंचल अरेनकावु और नेदुवथूर क्षेत्र से इससे सबसे ज्यादा इस बीमारी के मामले सामने आए हैं। वहीं उड़ीसा के भुवनेश्वर के रीजनल मेडिकल सेंटर ने 1 से 9 साल तक के 26 बच्चों में इसकी बीमारी होने की सूचना दी है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है इस बीमारी के लक्षण। केंद्र की तरफ से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि टोमेटो फ्लू वायरस के लक्षण दूसरे वायरल संक्रमण की तरह ही दिखते हैं, जैसे कि बुखार, थकान, शरीर में दर्द और स्किन पर चकते। लेकिन ये वायरस SARS-CoV-2, मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें थकन, उल्टी, दस्त, बुखार, डिहाइड्रेशन, जोरों में सूजन, शरीर में दर्द जैसे लक्षण भी शामिल हैं। एडवाइजरी की माने तो इस बीमारी की शुरुआत हल्के बुखार, भूख ना लगने और अक्सर गले में खराश के साथ शुरू होती हैं। बुखार शुरू होने के 1 या 2 दिन बाद शरीर में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जो फिर बाद में फफोले में बदल जाते हैं। ये फफोले जीभ, मसूड़े, गालों और हथेलियों के अलावा तलवों पर भी हो सकते हैं। ट्विटर पर एक यूज़र ने अपने 4 साल के बच्चे को इस बीमारी की होने की सूचना देते हुए बताया कि शुरुआत में इस बीमारी के दौरान मेरे बच्चे के शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने जो कि मच्छर के कांटे जैसे बिल्कुल इस तरीके से हुए थे और बाद में इसमें पानी भर गया, ठीक वैसे जैसे जलने पर होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुंह और गले में हो जाता है जिससे बच्चे कुछ निगल नहीं पाते हैं। वहीं बुखार कुछ दिनों में कम हो जाता है। केंद्र के एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि यह बीमारी हैंड फुट माउथ डिजीज़ का क्लिनिकल वेरिएंट है जो स्कूल जाने वाले बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। शिशुओं और छोटे बच्चों को भी इस संक्रमण का खतरा होता है। इसका कारण है कि छोटे बच्चे किसी भी गंदी सतहों को छू लेते हैं और किसी भी चीज़ को सीधे मुँह में डाल लेते हैं। हालांकि यह संक्रमण बड़ों को भी हो सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसका इलाज भी। इस बीमारी के इलाज के लिए कोई खास दवा नहीं है। इसका भी इलाज दूसरे वायरल इन्फेक्शन के तरह ही होता है। इसमें आइसोलेशन, आराम करना, तरल चीज़ें लेना, रैशेज, राहत के लिए गुनगुने पानी से स्पंजिंग आदि शामिल है। इसके अलावा बुखार और दर्द की दवा के साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर इसके लक्षण दिख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करें। अगर आपके बच्चों में टोमेटो फ्लू के लक्षण दिखे तो जल्दी उसे बाकी बच्चों से अलग कर दें। उसके इस्तेमाल की सभी चीज़ें जैसे कि कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि को अलग कर देना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से उसकी साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। बच्चे की स्किन को साफ करने या फिर नहलाने के लिए गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें। पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार दें और पर्याप्त आराम और नींद लेने दें। इस संक्रमण की रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका साफ सफाई रखना है। इसके किसी भी लक्षण दिखने पर 5 से 7 दिनों के लिए आइसोलेशन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए जिससे कि यह बीमारी दूसरे बच्चों और बड़ों में ना फैल सके। ये थी टोमेटो फ्लू से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।